सुशीला अपना हाथ दिखाओ। दर्द हो रहा है ना? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे अच्छा लगता है इस तरह का व्यवहार करना? कितनी बार बोला है कि ऐसा कुछ मत करो जिससे मेरे मन को ठेस पहुंचती हो। अब ना वो आईना तुम घर में लाती और ना मैं। खैर, आइंदा ध्यान रखना। मैं नहाने जा रहा हूं, नाश्ता तैयार रखना। जी की बीवी इतनी सुंदर, टाट में मखमल का पैबंद। कानो जी क्या हुआ? सुबह सुबह आप यहाँ? दरअसल कल शाम को जब बच्चे खेल रहे थे तो उन्होंने सरकार के घर के कुछ शीशे तोड़ दिए, जिसकी वजह से पूरी रात ठंडी हवा घर में आती रही। सरकार ढंग से सो भी नहीं पाए, इसलिए तुम्हें तुरंत वाड़े चलकर जितने भी टूटे हुए शीशे हैं उनकी मरम्मत करानी होगी। और हाँ, जल्दी आना, सरकार को इंतजार की आदत नहीं। जी। आज बहुत अच्छा दिन है, तुम तो जानती हो, और तुम्हें वहां बहुत अच्छा लगेगा। पसंद करोगी उस जगह को। साई, नहा धोकर साफ सुथरा हो गया हूं, भगवान से मिलने के लिए तैयार हूं। वो तुम्हें बहुत अच्छे से रखेंगे। साई, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? सबूरी महादेव, इतनी भी क्या जल्दी है? वक्त आने पर तुम्हें तुम्हारे भगवान दिख जाएंगे। साई, आपने वादा किया था कि आज भगवान दिखाएंगे, उस पल का मैं कितने समय से इंतजार कर रहा हूं। हाँ, लेकिन अभी तो दिन शुरू हुआ है। साईं, जब से मैं शिरडी आया हूं तब से मैं देख रहा हूं आप हर किसी की मदद तुरंत करते हैं, फिर मेरी मदद करने में इतना समय क्यों लगा रहे हैं? जबकि आप जानते हैं कि भगवान से मिलने के लिए मैं कितना अधीर हूं, कितना बेचैन हो रहा हूं मैं। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि भगवान तुम्हें खुद को देखने देंगे? क्या कमी है मुझमें? चार वेदों का ज्ञाता हूं मैं, गीता रामायण कंठस्थ है मुझे, रोज सुबह शाम पूजा करता हूं, साधना करता हूं, जहां भी जाता हूं वहां के मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाता हूं। भगवान के दर्शन पाने का अधिकार मुझसे ज्यादा और किसे हो सकता है?
उस पेड़ को देखो। हाँ तो जब उसमें फल आते हैं तो उसकी डालियां झुक जाती हैं। हाँ तो साईं बाबा ये क्या पहेलियां बुझा रहे हैं आप? रहम करो, करम करो। नहीं भाई, रहम करो, करम करो। रहम करो, करम करो। माफ कीजिएगा कि रहम करो, करम करो। रहम करो, करम करो। शायद तुम्हें खुश रखेंगे। आगे बढ़, मेहनत की दो रोटी कमा, आलसी कहीं की, काम वाम कुछ करना नहीं बस भीख मांग लो। बेटा इस उम्र में कौन काम देगा मुझे? तुम काम दोगे? हाँ, तुम जैसे निकम्मा नकारा लोगों को सहारा देने का ठेका जो उठा रखा है मैंने, है ना? घर में कोई काम करने वाला नहीं है क्या? है ना, मेरा पोता है आशु, तो वो काम करता है, हम दोनों के लिए वो कमाता है, लेकिन कुछ दिनों से वो बीमार है, इसलिए मजबूरी में मुझे ये भीख मांगनी पड़ती है। एक पैसा दो। दिन में तुम जैसे 10 भिखारी मिल जाए ना तो उन्हें एक एक पैसा देके खुद को लुटा दूं मैं। ऐसे क्या पेड़ पे उगते हैं? देखो बेटा, साई कहते हैं एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अच्छा, साईं कहते हैं? तो जाओ ना अपने उस साईं के पास, मदद मांगो उससे। बड़ा इलाज करते फिरते हैं ना, तो लेके जाओ अपने उस पोते को उनके पास, वो इलाज करेंगे, उसका ठीक करेंगे, फिर तुम्हारा वो पोता जाके कमाएगा तुम्हारे लिए। और तुम ये भीख मांग कर दूसरों को परेशान किस लिए कर रही हो? चलो जाओ यहां से। रुकिए, साई, साई, प्रणाम साई। राम जी भला करें। साई, सुबह से घूम रही हूं, किसी ने एक पैसा नहीं दिया, ऐसा लग रहा है जैसे यहां मेरा कोई है ही नहीं। लेकिन साईं, जिसका कोई नहीं उसका सहारा आप ही तो है। मैंने कल उदी दी थी आपको, क्या उसका असर नहीं हुआ? बड़ी आस्था के साथ उदी लेके गई थी उसके लिए, लेकिन आशु को यकीन ही नहीं हुआ कि उदी से उसका भला होगा। उदी लेने से उसने इनकार कर दिया। अब तो एक ही उम्मीद है, वो आराम करे, ठीक हो जाए और फिर काम पे जाए। लेकिन साईं, खाने पीने के लिए पैसा होना जरूरी है ना? अरे मैं मुश्किल से पैसा नहीं जुटा पाई तो फिर ठीक कैसे होगा? और
शरीर में काम करने की ताकत कहाँ से आएगी? मैं आपकी मदद करूंगा मथुरा दाई। कर दी मदद तुम्हारे साई ने। बहुत बोल रही थी ना साई ने, ऐसा क्यों किया? धन्यवाद साई। अरे तुम्हें अगर कंकड़ पत्थर ही चाहिए थे तो मुझे कह देती, इससे बड़े बड़े पत्थर डाल देता मैं तुम्हारी झोली में। अब लेके जाओ ये कंकड़ पत्थर और पेट भरो अपने उस पोते का। जाओ। पत्थर के रूप में ही सही, साई का आशीर्वाद पाना सौभाग्य की बात है। और ये पत्थर, मेरे लिए पूजनीय है। चलती हूँ साई। राम जी भला करें। साई, उस औरत ने इतनी उम्मीद से आपके सामने झोली फैलाई और आपने पत्थर दिए, क्यों साईं? अपना अपना नजरिया है महादेव। कोई पत्थर को रास्ते की अड़चन समझकर हटा देता है तो कोई उसी पत्थर को तराश कर एक सुंदर सी मूर्ति बना देता है। जैसी इंसान की नीयत, जैसी उसकी श्रद्धा, पत्थर वैसा ही रूप धारण कर लेता है। अभी तो जरम नहीं है, अभी समय है। साई की उदी ले ले, तरह तरह के रोग ठीक किए हो उन्होंने उसी उदी से। नहीं आजी, ये सब अंधविश्वास है। क्या तू ठीक होना नहीं चाहता है? होना चाहता हूँ आजी, और अपने से ज्यादा आपके लिए, ताकि आपको लोगों के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। फिर भी खाली हाथ लौटी हूँ। जो भी पाया साई से ही पाया। साई से? उन्होंने क्या दिया? देख बेटा, देख। मदद नहीं कर सकते थे तो ऐसी बेइज्जती तो नहीं करनी चाहिए थी आपकी। मैं जानता हूं उन्होंने ऐसा क्यों किया। मैंने उनकी उदी लेने से मना कर दिया, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। अब पता चला साई की असलियत क्या है? नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। साई कभी कुछ ऐसा नहीं करते जिसमें लोगों की भलाई ना छिपी हो। उन्होंने जरूर कुछ। आजी, कब आपको साई का ढोंग नजर आएगा?
गलती से उन्होंने 2-4 लोगों का इलाज क्या कर दिया, सब उनके अंधभक्त हो गए। लेकिन मैं औरों की तरह नहीं हूं। गलत था जी, आपके विश्वास की जीत हुई, मुझे आपके विश्वास पे अब विश्वास हो गया। आजी मुझे माफ कर दो, आजी मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो आजी, मुझे उदित ला दीजिए। ओ जिसके हृदय में दया भरी हो, करुणा मैं जो सर्वोपरि हूँ, निर्बल का जो बने सहारा, हृदय वही तो हरि का धाम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। आजी एकदम से बेहतर लगने लगा है मुझे। सच? हाँ साई कृपा, साई बाबा, मुझसे भूल हुई आपको पहचानने में, अपने स्वार्थ के कारण से ही आपकी सच्चाई समझ में आई मुझे। पहले दिन सुबह सुबह बुलावा भेज दिया, पहले दिन से शोषण शुरू। नहीं आई, उनके घर की खिड़कियों के शीशे टूट गए, उसी की मरम्मत के लिए जल्दी बुलाया है। अब शुरुआत है तो काम में तो मन लगाना पड़ेगा ना। आई तो फिर उस हिसाब से पैसे भी अच्छे दे रहे होंगे। कहां अच्छे पैसे आई, महीने के सिर्फ 7 रुपए दे रहे हैं। क्या तो तूने हाँ क्यों की, इतने कम पैसों में हमारा गुजारा कैसे होगा? तो मैं क्या करता आई, पूरा गांव छान मारा, कोई काम नहीं दे रहा था, मजबूरी थी। पर आई इस काम में एक फायदा है, अगर मैं सरकार के लिए काम करूंगा तो किसी की मजाल नहीं होगी जो मुझे ताना मारे। इसके वजह से हमें भूखा मरना पड़ रहा है। पर काना इस मकान का किराया ही 10 रुपए है, तात्या ने कहा है आराम से पैसे देना, लेकिन देने तो 10 रुपए ही होंगे ना। तुम कह रहे थे कि तात्या सज्जन इंसान है, लेकिन वो कब तक अपनी सज्जनता दिखाएगा? और फिर महीने का किराना, सब्जियां, लकड़ी, उपले, कम से कम 30 रुपए तो तनख्वाह होनी चाहिए थी। इतने कम में भला हम तीनों कैसे रहेंगे? तो क्या घर बैठे बैठे अपने आप 30 रुपए आ जाएंगे?
एक तो कोई काम नहीं दे रहा था और जो तैयार हुए उन्हें लगता है कि मैं 30 रुपए पाने के लायक नहीं हूँ। सासु भाई, आप बिल्कुल सही कह रही है। 7 रुपए में हमारा घर नहीं चलेगा। अगर आप कहे तो मैं कुछ काम करूं, शायद कुछ। क्या कहा तुमने? बाहर जाके काम करेगी? बहुत शौक है ना तुम्हें लोगों के बीच खुलकर घूमने का? नहीं, मैं तो बस आपकी मदद करना चाहती। मेरी मदद करना चाहती है? या ये जताना चाहती है कि मैं बेकार हूँ? तो लोगों को ये जताना चाहती है कि मैं काफी नहीं हूँ अपने घर परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए, जरूरतें पूरा करने के लिए? बेटा खाना तो खा ले। बोलने से पहले थोड़ा सोच तो लिया कर। मैं जानती हूँ कि घर में पैसे की बड़ी तंगी है, पर हर बात कहने का एक समय होता है, तरीका होता है। क्या ये सही समय था जब वो अपनी नौकरी को लेके पहले से ही परेशान है? और तुमने सोचा भी है कि तुम करोगे क्या? बस जी में आया बोल दिया और बेचारे को ढंग से खाने भी नहीं दिया तुमने। सुबह हम कैसे गुजारा करेंगे? मैं अपना घर कैसे चलाऊंगी? आ गया है कपिला, चलते हैं।